बीए को पढ़ाने वाले जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो कोर्स भी नहीं ख़त्म कर पाते। सप्ताह में 4 दिन क्लास लेनी होती, कभी आते हैं कभी आते ही नहीं हैं। प्रोफेसर क्लास लेनी होती है वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते। और ज़्यादातर यहाँ के जो VC है हमेशा अवकाश पर ही रहते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरा सबसे मेन फोकस जॉब ओरिएंटेड कोर्स पर होना चाहिए, ताकि हम यहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट या PhD करके निकले तो हमें जॉब मिल सके। रैंकिंग जिस बनती है फैकल्टी में और फैकल्टी और स्टूडेंट्स का जो प्रपोर्शन है, इन सब में भी बहुत गड़बड़ियां हैं। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता कि इतना वाकई में इतना गड़बड़ है हाल यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, लेकिन कुछ एक काम है, कुछ एक बिंदु हैं जहाँ पे काम करना पड़ेगा ताकि जो है अपग्रेडेशन हो पाए रैंकिंग में। नियुक्ति हुई है, जैसे इस समय महाविद्यालयों में भर्ती हुई है, वैसे अगर यहाँ भी अपने यहाँ भर्ती हो जाएगी प्रोफेसरों की, तो यहाँ की स्थिति भी सुधर जाएगी। और जो प्रोफेसर आपस में गुटबाजी करते हैं, इसको बंद करना होगा। अध्यापकों की लापरवाही, जो जितने भी प्रोफेसर हैं वो टाइम से पढ़ाते नहीं हैं किसी भी चीज़ को। और यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए लैब तो है ना, तो सामान उपस्थित हैं किसी भी डिपार्टमेंट में ना, तो वहाँ पर लैब कराया जाता है। यह सबसे ज़रूरी है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अगर प्रैक्टिकल हो तो। विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की बहुत सारी, आप कह सकते हैं 70% सीटें खाली हैं। हमारी ये बेसिक चीज़ें हम उन पर कभी बात नहीं कर रहे हैं हमारे वाइस चांसलर साहब। हमारे लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, लाइब्रेरी की किताबों की बातें नहीं होती। से यहाँ पे देख लीजिए सीनेट हॉल हमेशा खाली रहता है, परिचर्चा नहीं हो पाती है। तो ये सब कारण हैं जो कि एक इन विश्वविद्यालय को लगातार नीचे ले जा रहे हैं। ठीक है।